सो एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम थर्ड देखेंगे हम. ओके, तो तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो ऑप्टेन ऑल द जीरोज 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. ओके, इफ टू ऑफ इज जीरोज आर √5/3 एंड −√5/3. तो यहाँ पर आपको दो जीरो दिए गए हैं बोल रहे हैं. ओके, और आपको बाकी के जीरो ढूंढना है बोले. तो इसमें तो पहले क्वेश्चन आता है कि कितने जीरोज है. ओके, तो यहाँ पर कितने जीरोज है वो देखने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर डिग्री देखते हैं. तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिग्री रहता है उससे हमको पता चलता है. तो सबसे बड़ा डिग्री कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन डिग्री है, यहाँ पर सबसे बड़ा है. तो ये हमारे चार डिग्री है. तो हमारे जीरोज कितने हो गए, जीरोज इक्वल्स टू 4 हो जाएंगे. तो लिखेंगे हम, तो जीरो इक्वल्स टू 4 लिखा हमने. ओके, अभी ये जीरो हमको ढूंढने के, तो इसमें से दो हमको दिए गए हैं. ये देखो, ये एक जीरो है और ये एक जीरो है, तो दो हमको दिए गए हैं. तो बचे कितने, तो और दो बचे हैं. तो वो दो दो रिमेनिंग बचे हैं वो हमको ढूंढने हैं, कौन से हैं वो. ओके, तो देखेंगे कैसे करते हैं. तो जीरोस मतलब हम कैसे लिखते हैं, अभी इसके पहले आपने जो किए थे प्रॉब्लम्स उसमें क्या करते थे, हम स्प्लिट करते थे. फैक्टराइजेशन मेथड पहले करते थे. फैक्टराइजेशन मेथड से हम पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करते थे. उसके बाद जो भी आंसर आता था उसमें हम मिड बीच वाला जो नंबर रहता था वो ढूंढने की कोशिश करते थे. बीच वाला ढूंढ के मिलने के बाद उसको प्लस नहीं तो माइनस डाल के हम दो पेयरिंग करते थे, दो जोड़ी बनाते थे. और दो जोड़ी बनाने के बाद उसके एक्स लगा के कुछ भी लिखते थे. मतलब ऐसा आता था, ये देखो ऐसा आपका दो ब्रैकेट आ जाता था नीचे, और वो दो ब्रैकेट का क्या बन जाता था, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 7, ऐसा आपका आंसर हो जाता था ना. तो ये आपके जीरोज हो जाते थे. ठीक है, ये दो जीरोज हो जाते थे आपके. तो ये जीरो दो मिल गए हैं बोल रहे हैं यहाँ पर. तो हम ये जो नंबर है वो इस तरह भी लिख सकते हैं. ओके, मतलब ये कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब x इज इक्वल टू √5 और x इज इक्वल टू −√5. तो ये हमारे दो आंसर है. ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये अभी ध्यान में रखिए कैसे आया. ओके, इसको हम यूज़ करने वाले हैं. तो देखेंगे हमारा प्रॉब्लम. पहले तो हम फॉर्मूला जो रहता है वो फॉर्मूला लिख के रखेंगे. तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ होने वाला है. ओके, तो सब जो अलजेब्रिक फॉर्मूला रहता है वो आपको याद करना पड़ेगा. ओके, तो ये भी अलजेब्रिक फॉर्मूला में से एक है. ओके, तो देखेंगे फॉर्मूला कैसा रहता है. तो फॉर्मूला ऐसा रहता है, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट इक्वल्स टू, आंसर क्या आता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हमारा आंसर रहता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद हो गया. अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है वो देखेंगे. तो यहाँ पर ये बड़ा नंबर मतलब क्या रहता है हमेशा, तो हमको एक कौन से मेथड से आंसर निकालना है. यहाँ पर जीरो दो बचे हैं वो हमको कैसे निकालना है, ये लॉन्ग डिविजन मेथड जो अभी तक इसके पहले हमने किया था वही मेथड से हमको निकालना है. ओके, तो यहाँ पर तो एक बड़ा नंबर है मतलब ये आपका डिविडेंड हो गया, पर दूसरा छोटा नंबर रहता है डिवाइजर वो नहीं है यहाँ पर. तो डिवाइजर कहाँ से लेंगे, तो डिवाइजर इधर से आता है. ये दो दो जीरो आपको दिए हैं, ये दो जीरो से ही आपको डिवाइजर आएगा. ओके, तो वही देखेंगे हम कैसे डिवाइजर लाते हैं दो नंबर से. ओके, तो देखेंगे. तो पहले तो हम यहाँ पर डिविडेंड जो लिखा है वो डिविडेंड नीचे लिखेंगे. तो डिविडेंड का आपका नंबर ये हुआ, उसके बाद डिवाइजर. अभी डिवाइजर कैसे मिलेगा, डिवाइजर तो नहीं है. ओके, डिवाइजर का आंसर ढूंढना पड़ेगा. सो डिवाइजर का आंसर कैसे ढूंढेंगे वो देखेंगे. अभी जो जीरो आपको अभी मैंने बोला था, जैसे ये जीरो रहता है तो x इज इक्वल टू √5/3 आएगा, और उसको x इज इक्वल टू −√5/3 आएगा. तो वैसे ही हम लिखेंगे अभी देखो. ओके, तो ये हो गया हमारा पहला और ये हमारा दूसरा हो जाएगा. ओके, तो ये दोनों लिखा. ओके, तो ये क्या होता है, जब भी हम इधर से इधर लाते हैं. ओके, मतलब ये जो 5√5 किधर से आया, यहाँ पर ब्रैकेट में हुआ होगा पहले, अभी मैंने दिखाया था वहाँ पर, तो ब्रैकेट में था वो बाहर ले आया था हमारा, और बाद में √5/3 हो गया था. मतलब इधर प्लस इधर माइनस था इसलिए वो इधर आया तो प्लस हो गया ऐसा. इधर माइनस है मतलब वो इस साइड में जब था तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा वहाँ पर. ओके, तो वैसे ही हम लिखेंगे, मतलब इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे फिर से, मतलब उल्टा रिवर्स प्रोसेस करेंगे हम. रिवर्स रिवर्स में कैसे थे वहाँ पर लिखेंगे. तो रिवर्स में ऐसा था. ओके,
रिवर्स में ऐसा था, बाद में वो इधर से लेकर इधर आया और प्लस हो गया था, तो इसका भी लिखेंगे वैसे ही। तो एक्स प्लस रूट 5/3 हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू 0। तो ये देखो लिख दिया हमने। तो इसके पहले क्या था, इसके पहले ब्रैकेट में रहा होगा, तो ब्रैकेट निकालते हैं और हम 0 डालते हैं ना आगे, तो लिखेंगे ब्रैकेट में इसको। ये देखो ब्रैकेट में लिखा, और दूसरा भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये देखो दूसरा भी लिखा। अभी ये देखो ये क्या हो गया, हमारा ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखो फॉर्मूला जैसा। ए मतलब एक्स हो गया, बी मतलब √5/3, और बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन भी इधर भी है देखो। बाद में ए देखो, ए मतलब क्या, इधर नंबर है वही ये इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, तो सेम नंबर है, मतलब ए हो गया। मतलब बी, बी क्या है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो इधर भी होना चाहिए, तो है देखो यहाँ पर भी सेम नंबर। तो यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला आगे क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। मतलब पहला जो ए है नंबर उसको स्क्वायर लगेगा, और दूसरा जो नंबर है उसको स्क्वायर लगेगा, तो लगाएंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए के जगह पर ए वह एक्स है। और बी के जगह पर √5/3 है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस √5/3 द होल स्क्वायर। ये देखो लिख दिया हमने। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अभी ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी। यहाँ पर आगे देखने का नहीं, ये हो गया, इसका काम सब हो गया अभी। तो यहाँ से अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो देखो हमेशा रूट, रूट को समझो स्क्वायर रहेगा बाहर, तो हमेशा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है देखो। तो ये देखो ये स्क्वायर हमें हमेशा कभी भी रहेगा रूट के नंबर को, तो स्क्वायर और रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर तो चला गया इधर का, तो लिखेंगे तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। इसके बाद अभी क्या करने का, तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि कभी भी एक डिनोमिनेटर रहता है तो दूसरा जो नंबर रहता है उसको भी डिनोमिनेटर हमेशा लेने का, एक खाली नहीं रख सकते हम। तो इसको डिनोमिनेटर है, तो इसको क्या होगा, इसको 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा। सो दोनों को डिनोमिनेटर करने का। तो ये देखो ये लिख दिया हमने 1। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो नीचे क्या रहना चाहिए, हमेशा एलसीएम निकालते हैं हम, सेम करना चाहिए हमेशा। तो नीचे का सेम रहता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 कैसे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, और 3 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो क्या होता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो करेंगे वही। तो ये देखो यहाँ पर लिख दिया हमने, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया, और नीचे मल्टीप्लाई किया है इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। इस साइड का वैसे ही लिखेंगे अभी, नीचे सॉल्व करेंगे और बाद में, तो −5/3 लिखेंगे फिर से। तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 3x² आ जाएगा, और 3 × 1 = 3, तो लिखेंगे ये देखो आ गया। बाद में माइनस, ये इधर का नंबर है वो लाएंगे इधर। तो ये देखो लिख दिया। सो अभी क्या करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद ऐसा होगा कि ये जो नीचे का रहता है सेम होने के बाद क्या करते हैं, हम एक ही लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं, तो कॉमन 3 हो जाएगा, और ऊपर का वैसा साइन के साथ लिखेंगे हम। ये देखो ये एलसीएम हमारा कॉमन हो गया, तो कॉमन होने के बाद एक ही लेते हैं, और बाद में ऊपर जो है वो वैसा का वैसा लिखेंगे। तो ये लिख दिया। तो अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमको कैसे भी करके निकालना रहता है, कभी भी डिनोमिनेटर किसी भी प्रॉब्लम रहता है तो वो हम हमेशा निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। अभी ऐसे कैसे निकलेगा है, तो यहाँ पर देखिए ये तो नीचे है, मतलब डिवीजन है, तो डिवीजन जब भी उस साइड में जाएगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी ये क्रॉस करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पर डिवीजन है तो उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही करेंगे हम, ये ऊपर का वैसे ही रखेंगे और 0 × 3 करेंगे हम। तो ये हमारे लिख दिया देखो, और इसके आगे 0 × 3।
ओके तो ये क्या हो जाएगा अभी, ए ज़ीरो थ्री का कितना आता है, ए ज़ीरो हो जाएगा, और हमारा नंबर क्या बचेगा, इधर का है वही बचेगा नंबर। ओके तो ये जो है ये हमारा डिवाइज़र है अभी, समझे। तो भी अंदर का तो नंबर डिविजन हमको दिया था तो डिवाइज़र नहीं था, तो ये देखो हमको मिल गया। तो ये इधर से हमने सब प्रॉब्लम किसके लिए किया के, तो ये डिवाइज़र मिलने के लिए किया था, तो ये डिवाइज़र अभी मिल गया, तो हम अभी लॉन्ग डिवीज़न कर सकते हैं, तो निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न अभी। सो डिवाइज़र इक्वल्स टू 3x² - 5, ओके। और लॉन्ग डिवीज़न का अभी फॉर्म, और डिविडेंड हमारा 3x4, ये जो है नंबर वो लिखेंगे, ओके। और अभी हम डिवीज़न जो है उसका लॉन्ग फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट लिख देंगे, तो फॉर्मेट हमारा ऐसा रहता है, ओके। तो फॉर्मेट नंबर डालेंगे, ये जो रहता है ये यहाँ पर रहता है छोटा नंबर, और ये जो बड़े डिग्री वाला रहता है वो यहाँ पर आएगा, तो लिखेंगे दोनों डिग्री के हिसाब से। तो ये देखो ये दोनों नंबर लिख दिए। अभी हमारा जो डिवीज़न मेथड है वो शुरू करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, ये नंबर से ये लाने की कोशिश करते हैं, तो लिखेंगे 3x - इक्वल्स टू, ये आंसर आएगा आपको, ओके। तो कितने में आता है देखोगे, तो SNV का आप यूज़ कर सकते हैं। SNV मतलब साइन नंबर और वेरिएबल, मतलब 3 कितने में करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 1s आएगा, ओके। उसके बाद x कितने में करेंगे तो x4 आएगा, तो x² - अब x² होगा तब x4 हो जाएगा, तो x और स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यह क्या करते हैं, ये जो नंबर है ये यहाँ पर लाते हैं, हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऊपर, ठीक है, तो ऊपर लिख दिया हमने, ओके। तो अभी यहाँ पर 1 भी लिखा तो चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, आपको चाहिए वैसा रखिए। मैं यहाँ पर नहीं डाला है, पर आपको 1 चाहिए तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो फिर से आप SNV का यूज़ कीजिए, तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सो इसको अभी मल्टीप्लाई कीजिए, ये और ये क्या होगा, अभी ऊपर क्वेश्चन आने के बाद क्या करते हैं, हम डिवाइडर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे नीचे, ये देखो ये लिखा, और इसके साइड में ब्रैकेट में लिखेंगे ये नंबर, तो लिखेंगे, ओके। तो आंसर क्या आएगा, तो SNV का यूज़ करके आप देख सकते हैं, तो x² - 3x² कितना आता है, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 3 3, ओके। बाद में x² - x² कितना होगा, 3x4 हो जाएगा, ओके। तो लिखेंगे 3x4, ये देखो आ गया हमको। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, -5 है, तो पहला तो +(-) हो जाएगा, साइन है ना पहला s, तो साइन आएगा माइनस। उसके बाद n, n मतलब नंबर, सो नंबर कहाँ पर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब 1 है, तो 1 5 5, ओके। तो 1 5 5, तो -5, ओके। और इधर x² है, इस साइड में x कुछ कुछ भी नहीं है, तो x² ही आ जाएगा इधर, ओके। तो आंसर हमारा फाइनल क्या होगा, -5x², ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अभी ये जो है वो डिग्री के हिसाब से इसके नीचे लिखेंगे, तो देखेंगे कहाँ पर है, तो 3x4, तो 3x4 किधर है, देखो यहाँ पर है, तो उसके नीचे आएगा, लिख दिया। उसके बाद x² है, तो x² किधर है, यहाँ पर है, तो इसके नीचे आ जाएगा, ये देखो लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, अभी यह अभी क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे, आंसर तो निकालना है हमको। तो पहला नंबर क्या करते हैं, हमेशा ज़ीरो करने की हम कोशिश करते हैं, ओके। तो ज़ीरो कैसे होगा वो देखेंगे, तो ज़ीरो के लिए यहाँ पर क्या होगा, साइन तो अलग होना चाहिए, एक साइन करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस में है, ये क्या होगा माइनस में होगा, तभी तो ज़ीरो बन जाएगा, तो लिखेंगे नीचे माइनस, ओके। तो एक देखो लिख दिया हमने माइनस, तो इधर माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, एक का साइन चेंज हुआ तो सबका साइन चेंज होता है, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अभी अभी सब्रैक्ट करके देखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो -3 से +3 गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या है, -2 है, और इधर माइनस था पर अब ये प्लस हो गया, तो कौन सा बड़ा साइन है, तो प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस का साइन पहले लिखेंगे हम, और बाद में कितना बचेगा, तो 5 में से 2 निकाला तो 3 बचेगा, सो +3x² हो जाएगा, तो लिखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद ये जो +6x है, तो इसके नीचे तो कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है,
ओके, तो ये नीचे आ जाएगा डायरेक्ट वैसे कर से। ओके, तो लिख दिया। इसके बाद ये माइनस फाइव एक्स जो था ये अभी प्लस हो गया, प्लस हो गया तो बड़ा साइन अभी कौन सा है इसमें से, फाइव बड़ा नंबर है तो इसका साइन हम नीचे लिखेंगे प्लस। और इसके बाद कितना बचेगा निकाला तो तीन बचेगा, सो प्लस 3x² बचेगा हमारा। ओके, बाद में इसको तो माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों नंबर वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। ओके, तो अभी फिर से हम प्रोसीजर करेंगे, मतलब पहला नंबर है वो फिर से जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा, तो लिखेंगे 3x² मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 6x³। तो ये देखो लिख दिया हमने। तो ये नंबर किस में आता है, तो SNV का यूज़ कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय डैश 6 आना चाहिए, तो 3 2 6, तो लिखेंगे 2। उसके बाद x कितना चाहिए हमको इधर, और x x चाहिए तो यहाँ पर x लिखेंगे, x लिखेंगे, हो गया नंबर। तो ये अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से लाके रखेंगे। ओके, तो लिखेंगे, तो लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, डिवाइजर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखो तो आंसर क्या आएगा, फिर से SNV का यूज़ कर सकते हैं आप, साइन नंबर और वेरिएबल। तो देखेंगे साइन इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो जाएगा। बाद में 2 3 6 और एक्स, और x² क्या होगा, x³ होगा, तो 6x³ हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो गया। इसके बाद 2x मल्टीप्लाई बाय -5, तो कितना होगा इधर, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 5 10, तो -10 हो जाएगा इधर। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से डिग्री के हिसाब से लिखेंगे इसके नीचे लाकर, तो 6x³ किधर है, 6x³ यहाँ पर है देखो, इसके नीचे लिखेंगे, और -10x किधर है, तो यहाँ पर है देखो, x यहाँ पर है तो यहाँ पर लाएंगे। तो दोनों नंबर लिख दिए, अभी देखेंगे ये जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तो जीरो नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करेंगे, तो इसका माइनस लिखेंगे और दूसरा के भी साइन चेंज होता है एक का किया, तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कैंसिल होता है तो देखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये जीरो बन जाएगा ये। ठीक है, बाद में इसके माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नीचे लिखेंगे इसको नंबर, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये हमने नीचे लिख दिया। ये बाद में ये क्या करेंगे, ये अभी देखो ये +10 है और ये -10, मतलब -10 है एक्स और +10x है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है देखो, साइन अलग अलग है, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, तो इसको भी अलग कर दिया, कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद ये इसको -5 को कुछ भी कैंसिल करने के लिए नंबर नहीं है नीचे, तो यहाँ पर ये 5 -5 है वो नीचे लाएंगे। अभी क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर, पहला नंबर है वो जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो पहला देखेंगे ये नंबर किस में आता है वो, सो माइन 3x² मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 3x², तो 3x² 1 3x² आ जाएगा। तो देखेंगे कैसे करते हैं इसको, ये देखो हमको 3x² चाहिए। ओके, तो किस में आता है, वन में वही नंबर आता है, किसी को नंबर को वन में मल्टीप्लाई किया तो वो सेम टू सेम नंबर आ जाता है ना, यहाँ पर देखो दोनों साइड में सेम टू सेम नंबर है। ओके, तो लिखेंगे वन ऊपर। ओके, तो अभी फिर से क्या करेंगे, ये नंबर जो आया है नया, इसको हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा अभी देखेंगे। सो 1 3 कुछ में वन, किसी को भी वन में मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आता है, तो क्या आएगा, ये नंबर आएगा फिर से 1 3x² 1 3x² आ जाएगा, 1 -5 -5 हो जाएगा। ओके, तो वही लिखेंगे हम आंसर। ओके, तो ये देखो वही नंबर आ गया। ओके, तो हम अब डिग्री के हिसाब से लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, किधर आएगा, x³, तो x³ इधर आएगा देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो लिख दिया यहाँ पर। बाद में क्या है, -5 है, तो -5 किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो लिखेंगे -5। उसके बाद देखेंगे ये अभी कैंसिल आउट होता है तो क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये देखो इसका माइनस कर दिया, तो इसका माइनस कर दिया तो ये क्या होता है, इसका भी साइन चेंज होता है, तो करेंगे इसका भी साइन चेंज। अभी क्या होता है, ये देखो दोनों एक प्लस में एक माइनस में है नंबर, और यहाँ पर भी एक माइनस में है, ये माइनस था पर अभी प्लस हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया हमको, जीरो आया। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको जीरोस कहाँ से मिला, तो जीरोस से यहाँ पर कहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो कैसे निकालते हैं, तो जीरो हमारा इधर से आता है, जो क्वेश्चन अभी आया है हमको
ये क्वेश्चन को हम स्प्लिट करेंगे तब हमारा जीरोस बन जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन है, देखो ऊपर ये स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट कैसे करते हैं? हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करेंगे तो ये नंबर पहले नीचे लिख के लेंगे। तो ये देखो हमने नंबर लिख दिया। अभी फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या आता है आंसर इसका? वन वन जा वन ही आता है, तो वन वन जा वन तो लिखेंगे वन वन जा वन आंसर। ठीक, उसके बाद अभी क्या करना है? ये जो नंबर हमको ऐसे यूज़ करना है, और तो इसका कोई टेबल नहीं बनता है, तो ये जो नंबर है ये हमको ऐसा यूज़ करना है कि बीच वाला जो नंबर है वो हमको आना है। तो क्या करेंगे इसको? तो एक बार इसको माइनस करके देखो दोनों जगह पर। तो माइनस किया तो क्या आता है? -2 हो जाएगा ऐड होके। ओके, और एक टाइम समझो प्लस किया हमने दोनों जगह पर। ओके, तो प्लस किया तो क्या आता है? तो यहाँ पर +2 बन जाता है। तो वही हमको चाहिए, देखो +2 ही चाहिए। तो ये हमारा नंबर है जो यहाँ का 2 नंबर की जगह पर आएगा, दो नंबर बन जाएगा, इस पर स्प्लिट हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों नंबर। ये देखो एक +1 होगा और दूसरा और एक +1 होगा, तो ये दोनों प्लस होके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो लिखेंगे x2। पहला और लास्ट नंबर को कुछ नहीं करते हम, वो वैसा का वैसा लिखेंगे हम। दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? इधर का एक नंबर आएंगे हम, और इसी का है पता चलने के लिए इसका लेटर लाएंगे। ओके, तो लेटर लिख दिया। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो भी लाएंगे और उसको भी एक्स रखेंगे। ओके, तो ये देखो उसके बाद जो एक बच्चा जो है लास्ट में जो बचा है उसको भी लाएंगे। ओके, और इक्वल्स टू 0 डालेंगे। ये देखो ये हमारा पहला जोड़ी है, ये हमारा दूसरा जोड़ी है। तो दोनों जोड़ी में से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें देखो? तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स हमारा कॉमन है। तो ब्रैकेट के बाहर कौन रहेगा? एक्स। सो एक्स बाहर रहेगा कॉमन। उसके बाद कौन बचा अभी? तो एक्स एक्स है x2। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एक एक्स आ जाएगा। उसके बाद एक्स कितने में मल्टीप्लाई करके? तो 1x आ जाता है। तो एक्स में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आता है हमको, तो इधर 1 ही आएगा। एक्स एक्स करेंगे तो 2x² हो जाएगा, तो x² तो नहीं चाहिए हमको, तो एक्स और बढ़ा नहीं सकते हम। तो किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसीलिए हम एक्स को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा हमको। ओके, तो ये देखो हमारा ये आंसर आ गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर जो साइन रहता है वो नीचे लेते हैं हम। ओके, वो ले लिया। अभी फिर से कॉमन देखो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एक्स है पर यहाँ पर तो एक्स ही नहीं है। ओके, तो इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं रहता है, मतलब 1 कॉमन रहता है, मतलब 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 हो रहा है, तो कॉमन हमारा 1 होगा बाहर। ओके, बाकी ब्रैकेट में क्या बचा अभी? तो ब्रैकेट अभी 1x जा x आता है। ओके, 1x जा x आता है, तो वही x लिखेंगे हम कॉमन। और दूसरा क्या है? 1 1 जा 1, सो 1 आ जाएगा इधर। ओके, और इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे इसके आगे? ब्रैकेट हम खोलेंगे। तो ब्रैकेट कैसे खोलते हैं? सॉरी, ब्रैकेट ये दो बनाएंगे, ये बाहर का एक ब्रैकेट और अंदर का एक जो ब्रैकेट है उसका दो ब्रैकेट बनाएंगे। तो बाहर क्या है? x+1 है, तो उसका एक ब्रैकेट बनाएंगे, और दूसरा जो है x+1, तो उसका एक नंबर लिखेंगे। लिख दिया। अभी इसको 0 निकालने को आपको मालूम है, एक्स उधर ही रहेगा, नंबर उस साइड में जाएगा। ये देखो ऐसा बन जाएगा, और इधर भी ऐसा ही है, प्लस है तो उस साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्या है? जीरो थे। अभी पहले हमको कितने जीरो थे? 2 जीरो दिए गए थे, और हमने अभी 2 जीरो निकाले, तो अभी हम लिख सकते हैं। सो ऑल द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर। तो अभी हम चारों लिखेंगे। तो पहला नंबर क्या है हमारा? -1 है। उसके बाद -1 है, देखो ये दोनों नंबर। उसके बाद जो हमको दिए गए थे वो हम लिखेंगे √5/3, और लास्ट में एंड -√5/3। ओके, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम खत्म होता है।